नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। देश भर में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रही वोटिंग के बीच पश्चिम बंगाल से चुनाव में धांधली, गुंडागर्दी और हत्या की खबरें लगातार सामने आ रही है। इस बीच मंगलवार को गाल के उलूबेड़िया में टीएमसी नेता के घर से 4 ईवीएम और वीवीपैट मिलने की खबर सामने आई है। इस मामले में चुनाव आयोग ने सेक्टर ऑफिसर तपन सरकार को सस्पेंड कर दिया है। आयोग ने कहा है कि यह रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट थी, इन्हें अब इलेक्शन प्रोसेस से हटा दिया गया है। इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के समर्थक दगीरा बादल दंगा में लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं और दक्षिण 24 परगना की डायमंड हार्बर सीट से बीजेपी कैंडिडेट दीपर हल्लर ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। साथ ही हुगली के आरामबाग में बीजेपी कार्यकर्ता ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है, जिसमें उसकी मां की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में तीसरे फेज के लिए 3 जिलों की 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 205 प्रत्याशी मैदान में हैं और इनकी किस्मत का फैसला 78,52,445 वोटर्स करेंगे। आपको बता दें, 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 31 में से 29 सीट तृणमूल कांग्रेस और 2 सीटें लेफ्ट ने जीती थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो इन सीटों पर टीएमसी को 50%, लेफ्ट को 33% और भाजपा को 7% वोट मिले थे। KYNPost.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।